हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जान है तो जहान है। हमने अपने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि कोरोना वायरस और उससे फैली बीमारी कोविड-19 पर आजकल बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अव्युत एकेडमी ने यह अपनी जिम्मेदारी समझी कि वह कोरोना वायरस और कोविड-19 पर आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक जानकारी पहुंचाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए अव्युत एकेडमी ने इस विषय पर एक वीडियो सीरीज शुरू किया है। यह वीडियो उसी सीरीज की दूसरी कड़ी या वीडियो है। इस वीडियो में हम कोविड-19 बीमारी के लक्षण या सिम्टम्स पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने जो भी ऑथेंटिक जानकारी कोविड-19 पर हासिल की है उसे पहले आपको इंग्लिश में बताएंगे और फिर उसी जानकारी को आसान और सरल शब्दों में हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इंग्लिश में कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हैं या लक्षण क्या हैं उसके बारे में जानते हैं, यानी कि What are the symptoms of COVID-19? तो दोस्तों, WHO यानी कि World Health Organization के अनुसार the most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness and dry cough. Some patients may have aches and pains, nasal congestion, runny nose, sore throat or diarrhea. These symptoms are usually mild and begin gradually. Some people become infected but don't develop any symptoms and don't feel unwell. Most people, about 80%, recover from disease without needing special treatment. Around 1 out of every 6 people who get COVID-19 infection become seriously ill and develops difficulty in breathing. Older people and young children are more vulnerable to the infection of coronavirus. Those people with underlying medical problems like high blood pressure, heart problem, or diabetes are more likely to develop serious illness. People with fever, cough, and difficulty in breathing should immediately seek medical attention from their doctors. तो चलिए दोस्तों, अब हम कोविड-19 के लक्षण के बारे में या सिम्टम्स के बारे में जिसमें हमने अंग्रेजी में अभी डिस्कस किया उसे हिंदी में आसान और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कोविड-19 के जो सबसे आम लक्षण है वह है बुखार, थकान और सूखी खांसी। अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, उसे थकान महसूस हो रही है और सूखी खांसी है तो उसे हो सकता है कि उसे कोविड-19 या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो। कुछ मरीजों में उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है, उनका नाक बंद रहता है यानी उन्हें नेसल कंजेशन होता है, कुछ के नाक बहते हैं यानी उन्हें रनी नोज होते हैं, गले में खराश होती है और कुछ में दस्त भी हो सकता है। ऐसे मरीजों को डॉक्टर से जरूर जाकर मिलना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। ये सभी लक्षण मरीजों में पहले धीरे धीरे शुरू होते हैं और आम तौर पे शुरुआत में बिल्कुल हल्के होते हैं पर बाद में वही गंभीर रूप ले लेते हैं। इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। कुछ मामले तो ऐसे भी देखे गए हैं कि कुछ लोग संक्रमित तो हो जाते हैं यानी इन्फेक्टेड तो हो जाते हैं पर उनमें कोविड-19 के कोई लक्षण विकसित नहीं होते और वो अपने आप को अस्वस्थ भी महसूस नहीं करते पर वो कैरियर हो जाते हैं यानी कि वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। अधिकांश लोग करीबन 80% इस बीमारी से बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि बिना किसी विशेष उपचार के ठीक भी हो जाते हैं। करीब हर 6 इन्फेक्टेड व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो कोविड-19 की बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसे सांस लेने में कठिनाई होती। बूढ़े लोगों और बच्चों को खास कर से इस इन्फेक्शन से, इस वायरस के इन्फेक्शन से बचाना जरूरी होता है। साथ ही जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज है उन्हें भी कोविड-19 के संक्रमण या इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा रहता है और गंभीर रूप से कोविड-19 से बीमार पड़ने का खतरा रहता है। यदि किसी भी व्यक्ति को फीवर है, कफ है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम यानी कठिनाई हो रही है तो उसे फौरन ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपना जांच कराना चाहिए और अपना उपचार कराना चाहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको कोरोना वायरस के संक्रमण
या इन्फेक्शन के लक्षण आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप अफवाहों से बचिए और हमारी ऑथेंटिक जानकारी को ध्यान से सुनिए और इससे लाभ उठाइए और अपने आप को इस बीमारी से बचाइए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो इस सीरीज़ का मिलता रहे। हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अफवाहों से बच सकें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखकर हमें भेजें, साथ ही आप हमें ये भी लिखकर भेजें कि आपको कोरोना वायरस और COVID-19 से रिलेटेड कौन से विषय पे या किस सवाल पे सबसे पहले जानकारी चाहिए। हमारी रिसर्च टीम आपके सभी सवालों का जवाब बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से रिसर्च करके तैयार करेगी, जिसे हम साधारण और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर, जान है तो जहान है, स्वस्थ रहिए, अफवाहों से बचिए।